तो हमें केबिन क्रू बनने के लिए कौन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज जो है मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो है डीएम कर रहे हैं। अर्लियर आई थॉट नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन द सेम जस्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी गुड वीडियोज ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब, बट देन आई थॉट बिकॉज एवरी नाउ एंड देन आई एम गेटिंग टेक्स्ट रिगार्डिंग द सेम, आई प्रेफर नॉट टू रिप्लाई एवरी इंडिविजुअल एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू क्रैक अ वीडियो ऑन इट। हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे एंड हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए हैं, तो हम कहीं साइड पे आके वेट कर रहे हैं कि कोई हमें रास्ता बता दे। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना अपना फ़ोन का कैमरा खोल के एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाए जो कि आपके लिए भी नॉलेजेबल हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में जो भी मैं शेयर करूँगी इट इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप उसी चीज़ को फॉलो करो, इट इज़ अबाउट लाइक आप लोगों ने मेरे ओपिनियन के बारे में पूछा तो मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंड आई थिंक इसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से लोग ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलता है लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट टू बी अ केबिन क्रू। एंड यू नो व्हाट आई यूज टू थिंक द सेम, मुझे भी ऐसा लगता था जब मेरा ट्वेल्थ हुआ, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है एंड माई पेरेंट्स वर टोटली दे डिडंट वॉन्ट मी टू बी अ केबिन क्रू। सो उनको कहना इस बात पे, उनके ना चाहते हुए मैं उनको जाके कहूँगी कि मुझे केबिन क्रू के कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दो एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आई यूज टू थिंक कि मुझे बहुत सारा सेविंग करना है क्योंकि घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो मैं इस तरीके के ख्याल मेरे दिमाग में आते थे कि 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करके मुझे एडमिशन लेना है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी इस बात को लेके कि हाउ वुड इट बी पॉसिबल, लाइक कैसे होगा ये सब चीज़ें। सो इट इज़ टोटली फाइन, कन्फ्यूजन होता है, सबको होता है, मुझे भी होता था मेरे टाइम पे बैक देन, बट मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को क्योंकि आई नो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू आर एग्जैक्टली फीलिंग राइट नाउ कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कितने सारे क्वेश्चन दिमाग में हैं। तो मैंने सोचा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए। सर आपको केबिन क्रू बनना है तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। कोई भी एयरलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, तो दो चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं सबसे ज़्यादा आपके इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेकेंड आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर ये दो चीज़ें आप में हैं, क्योंकि मुझे पहले ये लगता था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करूंगी एंड अपना इंग्लिश ठीक करूंगी, अपने कम्युनिकेशन ठीक करूंगी, सो इट वॉज ऑल काइंड ऑफ मिथ यू कैन से दैट। सो धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि नहीं ऐसा नहीं है, अब मैं घर बैठ के भी अपनी अपनी जो कम्युनिकेशन ठीक कर सकती हूँ। फिर उसके बाद लाइक मेरा इंग्लिश भी इतना ठीक नहीं था, लाइक इतना ठीक है बहुत ही घटिया था, यू कैन से दैट। इट इज़ नॉट अबाउट घटिया, इट इज़ अबाउट कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, इंग्लिश आते हुए भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती थी कि मैं किसी से बात कर सकूँ। ओके सो रेदर यू नो गिविंग सो मच ऑफ मनी लाइक 2-3 लाख, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, तो इतने ज़्यादा पैसे देने के बजाय आई थॉट कि क्यों ना कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया जाए। उसके बाद मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया एंड वहाँ पे एंड लकीली आई गॉट एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे पर्सनलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करते थे एंड आपके कम्युनिकेशन पे भी फोकस करते थे, स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करा एंड लकीली दैट इंस्टीट्यूट वॉज टू गुड एंड वहाँ जाके बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ लाइक आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, लाइक यू शुड बी परफेक्ट इन इंग्लिश, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी बोल रहे हैं अपनी बात को किसी दूसरे इंसान को, जिस तरीके से आप कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जिस तरीके से आप कोई बात सोच रहे हो, वही सेम तरीके में अगर आप किसी अगले इंसान को अपनी बात समझाने में अगर आप कामयाब हो तो दैट इज़ ऑल यू वॉन्ट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि आपको एकदम यू नो हाई फाई इंग्लिश चाहिए, परफेक्ट इंग्लिश चाहिए, अगर आप बेसिक इंग्लिश में भी अपनी बात को समझा पा रहे हैं किसी को, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल। एंड मैं भी लाइक अभी केबिन क्रू होने के बावजूद भी मैं अभी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो है वर्क कर रही हूँ। अंकल रास्ता है नीचे जाने का? नहीं, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो हम रास्ता भूल गए, स्टार्टिंग में बताया था कि हम रास्ता भूल गए, तो मैं वही पूछ रही थी। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, हाँ तो अगर कहाँ थी मैं, इंग्लिश। ओके सो कम्युनिकेशन स्किल में आपको यही चाहिए गाइस। अब आपको ये लगता होगा कि इंग्लिश कैसे सीखें, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करोगे आप उतना ज़्यादा कामयाब होंगे इंग्लिश सीखने में। मैंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी, मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने कोई इंग्लिश मूवीज नहीं देखी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं भी ये सब चीज़ें करके इंग्लिश सीख ली जाएगी, बट मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में था ही नहीं। तो मैं अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं है तो आप वो चीज़ कैसे करोगे, लाइक इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना कोई काम करने से पहले।
तो मुझसे कोई चीज़ें नहीं हुई, तो फिर मैंने क्या किया, लाइक थोड़ा बहुत जो है अपने इंग्लिश में वर्क करके, अब मैं क्या करती थी कि घर पे या फिर अपनी फ्रेंड्स में हूँ, अगर मैं घर पे हूँ या फिर कहीं बाहर गई हूँ तो आई प्रेफर, नहीं मैं फ्लुएंट थी इतना इंग्लिश में, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे एंड बट इट वॉज टोटली फाइन बिकॉज मेरे को प्रूव बनना था, तो इट वॉज लाइक ठीक है जिसको मजाक उड़ाना तो उड़ाओ, मेरा मतलब नहीं होना चाहिए उस चीज़ से। एंड मैं जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता था तो मैं इंग्लिश में बात करना शुरू कर देती थी, तो मैं इंग्लिश में बात करती थी एंड इट हेल्प मी अ लॉट, मैं सच बोल रही हूँ। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इंग्लिश में बात नहीं करते क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको लगता है कि अगला इंसान उनका मजाक उड़ाएगा, तो इट इज़ फाइन यार, मेरे भी मजाक उड़ाते थे लोग, इट डजंट मीन कि मैं अपने आप पर वर्क करना छोड़ दूँ। और यही एक अच्छा वे है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, जो कि मुझे हेल्प किया है अपने कम्युनिकेशन ठीक करने में। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सको किसी के आगे, जब तक करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, राइट? तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन का पार्ट। अब रहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दिस इज समथिंग कि आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा, जब तक आप नहीं चाहो अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करना तब तक नहीं होगा। एंड इंस्टीट्यूट में जाना इज टोटली फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि मत ही जाओ, बट इट इज ऑल अ मैटर ऑफ मनी एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि वो कैबिन क्रू नहीं बन सकते, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, दे आर नॉट अवेयर, उनको लगता है कि इंस्टीट्यूट में जाके ही मतलब इतने पैसे दे के ही वो क्रू बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो अपने पेरेंट्स को अपने आप को स्ट्रेस देना छोड़ दीजिए कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, अगर आप पैशनेट हैं, लाइक मैं पैशनेट थी तो मैंने जैसे तैसे करके, इट टुक मी ओनली 6 मंथ गाइस, ओनली 6 मंथ टू अपने आप को प्रिपेयर करने में, 6 महीने इज लाइक आपके इंस्टीट्यूट में जाके 1-1.5 साल अपना बर्बाद कर रहे हो, फिर वहाँ जाके इतने सारा पैसा भी दे रहे हो, और तो और अगर आपको जॉब गारंटी मिल जाए तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जाओ, बट आपको के इंस्टीट्यूट में आपको कोई भी जॉब गारंटी नहीं मिल रही है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, एट द एंड इंटरव्यू तो आप ही को देना है, वहाँ जाके अपना मुंह से आपको ही बात करनी है, आप ही को लाइक प्रेजेंट करना अपने आप को, तो एट द एंड आप ही को करना जो करना है, कोई भी इंस्टीट्यूट आके आपकी कोई बैकबोन नहीं बनेगा वहाँ पे आके कि आपको हेल्प होगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जॉब गारंटी नहीं है, तो इसलिए घर पे बैठ के थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी पर्सनैलिटी पे, थोड़ा सा काम कीजिए, एंड इट ऑल इंक्लूड्स कि आपको नॉलेज होना चाहिए कैबिन क्रू के बारे में, कि कैबिन क्रू के लिए क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको कैसे बात करनी चाहिए, हाउ टू वॉक, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू बी मोर प्रेजेंटेबल, एंड इंटरनेट पे गाइज आजकल इंटरनेट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ पैकेज फॉर यू, जो आप घर बैठ के कुछ भी सीख सकते हो, लाइक इट इज, अगर आपके फोन में इंटरनेट है ना, और अगर आप फिर भी एक्सक्यूज बना रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा लाइफ में, मैं कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं कर पा रहा, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्क पे वर्क नहीं कर पा रहा या पा रही है, सो इट इज़ लाइक अ एक्सक्यूज गाइस, तो फिर वो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्रू बनते हैं आगे जाके कि नहीं बनते हैं। अगर आपके फोन में इंटरनेट है तो उसका फ़ायदा उठाओ यार, थोड़ा मतलब यूट्यूब पे आप गूगल पे कुछ भी टाइप करोगे, जो भी आपको क्वेरी है कैबिन क्रू से रिलेटेड कुछ भी टाइप करोगे, सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, यू नीड टू थोड़ा सा लेजीनेस को दूर भगाओ, यू नीड टू वर्क यार, जब तक आप वर्क नहीं करोगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, थोड़ा सा हाथ पांव हिला के थोड़ा सा काम नहीं करोगे अपने ड्रीम्स पे, तो वो तो बिल्कुल भी ऐसे अचीव नहीं होने वाला। और रही बात आपकी हाइट, वेट, क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री एंड ऑल द थिंग दैट, ये रही अलग बात, और मुझे नहीं लगता ये चीज़ें भी जो है आपको इंस्टीट्यूट में जाके मिलेंगी, तो ये चीज़ तो आपको खुद ही अपना वेट, हाइट जो है, अपना हेल्थ जो है मेंटेन करना है, आपके क्वालिफिकेशन, अब आपका स्किन कलर, बहुत लाइक लोग पूछ रहे हैं कि मैं लाइक मेरा स्किन कलर डार्क है, मेरा स्किन कलर ये है, मुझे एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, सो आई विल कवर दिस टॉपिक ऑल्सो इन अनदर वीडियो। स्किन कलर जो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, सो टेंशन मत लीजिए, आप जैसे भी हैं यू आर इनक्रेडिबल, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गुड टू गो। एंड और रही बात एक्ने, टैटू एंड ऑल द स्टेप, सो आई विल मेक वन मोर वीडियो जिसमें मैं सब चीज़ें जो है कवर करूंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप यू गॉट इट कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये सब जो है मेरे ओपिनियन है, जो मेरे को मैंने अपनी लाइफ में जो फेस किया है, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेती हूँ आपके लिए। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कोई भी इंटरव्यू के लिए, और रही बात आपकी क्वालिफिकेशन, आपका हाइट वेट, वो अलग चीज़ें हैं। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से अच्छा आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ले लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, एंड क्लासेस लेके काम नहीं चलने वाला गाइस, जब तक आप अपने मुंह से इंग्लिश बोलेंगे नहीं, ये नहीं कि क्लास लेके बैठ के घर पे एंड कुछ काम नहीं किया तो भी ये काम नहीं करने वाला, इट इज़ नॉट गोना वर्क एट ऑल। सो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जाके, आपको इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अगर आपको सीख रहे हैं तो इंप्लीमेंट करो, घर वाले मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो यार, भाड़ में जाए दुनिया, जब आप क्रू बन जाएंगे तो वही दुनिया आपसे बात करने के लिए आएगी, आपकी तारीफ करेगी, ट्रस्ट मी इट हैपन्स।
तो ये क्वारंटीन पीरियड, ये लॉकडाउन पीरियड इतना अमेजिंग, लाइक इतना अच्छा मौका है आपके पास कि आप अपने आप पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर सकते हो और आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी एयरलाइन जो है हायर नहीं कर रही है, बट आने वाले टाइम पे जरूर हायर करेंगी। तो अपने आप को प्रिपेयर करो, ये टाइम है, आप घर बैठे हो, वेस्ट मत करो, प्रिपेयर करो, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो, अपनी जो कैबिन क्रू से रिलेटेड नॉलेज है उसको थोड़ा एनहांस करो। आने वाले टाइम पे बहुत कॉम्पिटिशन होने वाला है, इस चीज को आप दिमाग में लेके चलिए। डू वेल, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, नीचे रेड कलर का बटन है, जाके अभी क्लिक करिए। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। So see you very soon with another topic. Let me know in the comment section कि आपको कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। So दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।